नमस्कार सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो देश तो विदेश मैरिट की प्रोग्राम। मेरे नाल इस शो के जिवें तुसी देखते हो कोई ना कोई जिहड़ा जिहा लैंडमार्क इमीग्रेशन दे वल्लों कोई ना कोई वीज़ा एक्सपर्ट हर बारी तुहानूं मिलदा, क्यों और तुसी कम से कम यह शो जिहड़ा जिहा परिवार नाल बैठ के देखा करो। उहदा रीज़न यह है कि कई बार इहो जी इनफॉर्मेशन असीं शो दे विच शेयर करदे जिहड़ी तुहाडे प्रोफाइल दे रिगार्डिंग हुंदी है, तुहाडे कोर्स दे रिगार्डिंग हुंदी है, और तुसी कैनेडा जाके जिहड़ी है वह किसी भी, आपां कैनेडा दी गल कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैनेडा हुण जिहड़ियां लेटेस्ट फ्लाइट जिहड़ियां ओपन हुई ने, तो आपां इस करके कैनेडा दी गल शुरू करांगे। चलो शुरू करन तों पहले आपां जिहड़े वीज़ा एक्सपर्ट ने मिस्टर गुरप्रीत उन्होंने वेलकम करते हैं, तो उन्होंने गलबात करने तो पहले उन्होंने पूछांगे कि बेसिकली गुरप्रीत जी आज की डेट से की कनाडा का अपडेट है, जिहड़ी फ्लाइट्स ओपन हुई हैं, जिहड़े स्टूडेंट है उन्हों का रिव्यू की है। बिल्कुल रिकी जी, सब तो पहले तो धन्यवाद करता इस शो के उत्ते बार बार बुलाने लई, हर इनफॉर्मेशन असीं सांझी करते हैं बच्चों के नाल स्टूडेंट के नाल, और हर रोज़ आईदा वा क्योंकि गल्लां ही इन्नियां ने, मुद्दे ही इन्ने हैगे है कि एक भी दिन मिस नहीं हो सकता। सो धन्नवाद करदा वा दर्शकों का भी जिहड़े साडे नाल जुड़दे ने, इनफॉर्मेशन कलैक्ट करते हैं, कई बार उन्होंने नहीं भी बाहर जाना होंदा पर वो साडे प्रोग्राम नाल जुड़दे आ, अपने नीयर एंड डेयर्स नूं इनफॉर्मेशन दिंदे ने, अपने चाहण वालिआं नूं इनफॉर्मेशन डिलीवर करदे ने कि तां कि हर बंदा अवेयर हो सके और बाहर जाने वाले किसी भी स्टूडेंट नाल धक्का ना हो सके। हर इनफॉर्मेशन इत्थे तुहानूं मिलेगी, सही इनफॉर्मेशन जिहड़ी लैंडमार्क इमीग्रेशन इस मंच ते बैठ के इनफॉर्मेशन डिलीवर करदा, वह इनफॉर्मेशन तुसी चैक कर सकते क्रॉस। जे असी कोई हाई कमिशन बारे गल कर रहे हैं तो उदा अपडेट बकायदा सरकारी वैबसाइट के उत्ते होगा। जे असी कोई भी इनफॉर्मेशन स्कूल या कॉलेज बारे दिने तुहानूं, इनफॉर्मेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वैबसाइट के उत्ते हमेशा अवेलेबल रहती है। मकसद एको ही है, सही सलाह सही खबर तुहाडे तक पहुँचाना, जिहड़ी कि कैनेडा जाने वाले होण, चाहे वह US नूं जाण दे चाहवान होण, फिर कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले जर्मन वाले UK वाले सिंगापुर वाले किसी भी कंट्री तुसीं जाना है, फिर वह स्टूडेंट होवे, वह टूरिस्ट होवे, वह डिपेंडेंट कैटेगरी होवे, परमानेंट रेजिडेंसी होवे, सारयां नूं लै के निचोड़ कढ के लियाईदा ताकि तुहानूं बहुत ज़्यादा जगह पर जाने की जरूरत ना पवे। जी बिल्कुल, जदों भी तुसीं शो देख रहे होंदे हो तां जिहड़ा कॉपी पेन जिहड़ा अपने हाथ च रख लिया करो, और एक जे पॉसीबल होंदा तां एक शो की जिहड़ी है फोटो भी खिंच के रख लिया करो तुसीं अपने मोबाइल दे विच, वो इस करके क्योंकि तुहानूं याद होना चाहिए कि हाँ इस दिन यह जो शो चलिया सीगा और तुसी इस शो के भी जिहड़ी इनफॉर्मेशन लिती सीगी और पॉइंट्स कुछ एक लिख लिया करो ताकि तुहानूं जदों भी तुसी लैंडमार्क ऑफिस विजिट करो तो तुहानूं अपने जिहड़े पॉइंट्स हैं वो याद होन, और अपना प्रोफाइल जिहड़ा जां जदों डिस्कस करो किसी नाल भी, चाहे लैंडमार्क, क्योंकि लैंडमार्क जिहड़ी ब्रांचेज़ ने अलग अलग शहरों के भी है, जिवें आपां गल कर लईए अमृतसर की, लुधियाने की, या मोगे बठिंडे, किसी भी तुसी जिहड़े नियर बाय तुहानूं शहर पैंदा है उत्थे तुसी आके जिहड़ी अपने प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो, और एक्सपर्टाइज जिहड़ी है लैंडमार्क जिहड़ी टीम एक्सपर्ट टीम है वो सारी ब्रांचेस के बीच उन्हों की टीम एक्सपर्ट जी बैठी हुई है, उत्थे भी जाके तुसी अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। बस इको गल आपां बार बार इत्थों कहने कि जदों भी तुसी आना हुंदा है अपने नाल एक तो अपना प्रोफाइल जिहड़ी डॉक्यूमेंटेशन वो ले आया करो, तो एक किसी भी बड़े वडेरे नूं नाल ले आया करो। उहदा रीज़न यह है कि जदों भी तुसी फाइनल जिहड़ा जे है वो कई बार हुंदा कि बच्चा काउंसलिंग कर लैंदा घर जाके बाद कहिंदा कि नहीं मैं घर दे नाल डिस्कस करके तुहानूं दस्सांगा, जरूरी नहीं है कि तुसी जदों घर दे नाल आ रहे हो तो उत्थे ही अपलाई करना, नहीं तुहानूं टाइम तब ही दिता, लेकिन कई बार की हुंदा जिवें इनटेक की गल कर लईए, जैन इनटेक की गल करांगे आपां तां टाइम बड़ा घट हुंदा है। हुण तुसी मन के कोई मोगे तों आया या कितों भी आया, अगर दूर तों आया और दुबारा आना जाना जिहड़ा जे है उस स्टूडेंट नूं भी दूर लगता है और टाइम वेस्ट हुंदा है। अगर तुसी ओन दी स्पोर्ट ऑफर लैटर लेना चाहते हो तो किसी भी नाल बड़े बड़े नाल ले आया करो ताकि तुहानू जिहड़ी प्रोफाइल दे आधार ते असैसमेंट करके तुहानू कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स जिहड़ा जो दिता जाए। गुरप्रीत जी की कहना चाहोगे उन्हां बच्चों लई जिहड़े कि हुणे जनवरी इनटेक दे बारे हले सोच रहे ने अपलाई करिए कि ना करिए? देखो जनवरी इनटेक दे लई प्रैक्टिकली देखा जाए तो समा पूरा पूरा आ जी, जे तुसी अज प्रोग्राम देख रहे हो और प्रोग्राम तो बाद थोड़े को सिर्फ 1.5 महीना पे, तो तुहानू चाहिए इदा का कॉलेज इदा का यूनिवर्सिटी जिथे तुहानू मिल सके ऑफर लैटर 2 या मैक्सीम 5 दिनों के विच, और तुसी जनवरी जाण दे लई तां ही सोच सकते हो जे तुहाडे कोल पैसे तैयार है, तुसी कितों अरेंज नहीं करने, तुहानू पता है कि 2 दिन के विच ऑफर आ गई, 5 दिन च ऑफर आ गई, असी नाल दी नाल ट्यूशन फीस भर देंगे, GIC भर देंगे, ता ही तुसी जनवरी दे लई अगे वधो। अदरवाइज कॉलेजेस ने मार्च इनटेक, अप्रैल इनटेक, मई इनटेक पैरलरली ओपन हैगे ने, ईवन सितंबर 2022 भी खुला होया। सो तुसी अपने सिस्टम नाल चलो, अपने घर के हालात के हिसाब नाल चलो, कई बार हालात ये कह रहे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कईयों को पैसा अरेंज पिया जी, कईयों ने वेच वट के करना है, कईयों ने लोन लेना वा, कईयों ने रिश्तेदारी चो फड़ना है, हर चीज़ सिस्टम बखरा बखरा सैट है जी हर घर का। सो जे रुपये तैयार है
फैक्ट है क्योंकि बाहर जाने लिए पैसे लगते हैं। मैं इस मंच से यह नहीं कहना कि पैसे लगनगे नहीं पहला वीज़ा आऊगा, इस तरह का कुछ नहीं होंगे, क्योंकि असी सरकारी कॉलेजेस नू प्रमोट करते हैं, सरकारी कॉलेजों च फीस पहला जाती है, वीज़ा लगन तो पहला जाएगा, जी आई सी पहला जाएगा, मेडिकल पहला होएगा, अंबैसी फीस भरी जाएगी। जे सारे पैसे का इंतजाम मतलब अज की डेट से 16 to 17 lakh rupees का इंतजाम थोड़े को हैगा वा, तुहानू किसी वल वेखन की लोड़ नहीं, तुसी जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। जे तुहानू लगता है कितने भी कंसट्रेंट हैगा है, समा लग सकता है, तो अपने आप नाल झूठ ना बोलो, मार्च मई अप्रैल या मई के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि आपां अपने आप नूं समझाइए कि नहीं हो जाएगा पैसे दा रेंजन, बच्चा कई बार कर लैंदा है, मैं वो नहीं चाहुंदा। सटीक जानकारी होनी चाहिए है, स्पष्ट इनटेक होना चाहिए, उहदे विच अप्लाई करो ताकि सारा कुछ प्रोसैस नॉर्मल समूथली हो जाए। बाकी जनवरी इनटेक हले खुला है, सीटा हैगिया ने, प्रोग्राम्स हैगे ने काफ़ी वड्डे लैवल दे उत्ते, मार्च भी खुला है, अप्रैल मई और सितंबर कट्ठे ही बहुत सारे इनटेक्स ओपन हैगे ने, सो घबराउण दी लोड़ नहीं है। गुरप्रीत जी जिवें तुसीं दस्सिया जिहड़ा जन इनटेक हले ओपन है, लेकिन आपां देखदे हां ते बहुत सारे इहो जी कंपनीज़ हैगी ने कंसल्टेंट ने जिहड़े ये कह रहे हैं कि जिहड़ा इनटेक है जन वो क्लोज़ हो चुका है, वो अगे उन्हूं डैफर कर रहे कि नहीं तुसीं मई इनटेक लो या सपटेंबर इनटेक लो, लेकिन लैंडमार्क जिहड़ा जिहा इस मंच के राही स्टूडेंट नूं हले भी कह रहा है कि जिहड़ा जन इनटेक हले अवेलेबल है, लेकिन उत्थे इह तां नहीं कीते कि कोर्स दे नाल या फिर बच्चे दी यूनिवर्सिटी कॉलेज नाल उन्हूं कॉम्प्रोमाइज़ करना पएगा? नहीं, ये की है कि नॉर्मली मार्केट के वेखना कि मैक्सीमम प्राइवेट कॉलेज सैल होंगे ने, प्राइवेट कॉलेज के वीज़ा आने 4 to 6 months भी लग जाते, नॉर्मल हैगी गल। मैं नहीं देखा कि कितने प्राइवेट कॉलेज का वीज़ा 2-24 hours के महीने के आया हो, मोस्ट प्रोबेबली टाइम लग ही जाता, और मार्केट मोस्टली प्राइवेट कॉलेज लिए ही स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जाता है। सो मैं ये मानना है कि असी गवर्नमेंट कॉलेज डील करते हैं, तुम अज प्रोग्राम वेख रहे हो 1:30 है, अज ही मेरे दफ्तर जाओ, प्रोग्राम अप्लाई करो, अपनी ऑफर लैटर कल सवेरे ऑफर लैटर दे देंगे सरकारी कॉलेज का, जो थोड़े को पैसा तैयार है जनवरी का, और जिदा ही थोड़ी फाइल लॉज होती है, थोड़े बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर आता, अपना बायोमैट्रिक करवाओ, क्योंकि बायोमैट्रिक के डबल स्लॉट खुल गए ने हुण, सो खुशी की गल है, क्योंकि मैं इसलिए जनवरी कह रहा क्योंकि बायोमैट्रिक के स्लॉट भी डबल खुल गए जी। मैं देखिया बायोमैट्रिक होंदे सारे ही बहुत सारे रिजल्ट है जो 24 to 72 hours के भी आते हैं, सो आपां एक पॉजिटिव होप लैके चल सकते हैं। मैं कहना बाई चांस रिक्की जी मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं कहना जी रिजल्ट नहीं आया जर्मनी का, डिले हो गया, मान लो डिले हो गया, आपां डेफर लै लांगे, कोई बड़ी गल तो नहीं है, असी इनिशियली ट्राई तो कर सकते हैं, जो साड़ी फाइल अंबैसी लगी हुई है, वी कैन टेक ए डेफर फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो डेफर द इनफॉर्मेशन हाई कमीशन भी दे देंगे। हाँ, मैं उस केस नहीं मानता कि जनवरी इनटेक हैगा वा, जिन्हों को हले पैसे का अरेजमेंट हले करना है, लोन लेना है, वो थोड़ा जहा अपना रुक के भी चलन, ऑफर जरूर अप्लाई करन पर डायरेक्टली मई इनटेक दी कर लैन, कोई दिक्कत नहीं हैगी जी। बिल्कुल, अगर तुसी भी ये शो देख रहे हो तो जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो तुहानू जिहड़ी है बिल्कुल सटीक, इहदे च कोई भी दो राय नहीं है कि तुसी वाकया ही जिहड़ी जैन इनटेक दी सीट है, बेसिकली रोला तो सारा सीट दा है, तुसी अपनी सीट जिहड़ी जी बुक कर रहे हैं सीट ताही बुक होएगी जे तुसी लैंडमार्क इमीग्रेशन दे ऑफिस आओगे, इत्थे अपनी जिहड़ी डॉक्यूमेंटेशन दी असैसमेंट कराओगे और अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे, उस तो बाद ही सीट जिहड़ी जी वो बुक होनी है। गुरप्रीत जी, हाले तक जिहड़े बच्चे लेटेस्ट आपां कहांगे कि जिहड़े हुणे क्यों कैनेडा दी धड़ां दा रिफ्यूज़ल जी कनेडा ने दी है बच्चों को, और यही कि मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, बहुत माड़े रिजल्ट भी रहे हैं कैनेडा जी जिन्होंने बच्चे अपलाई किया, कितने ना कितने बच्चा जरा वो मायूस होया है, लेकिन हम बच्चा सोच रहा है कि मैं जन इनटेक छड़दा, क्योंकि बेसिकली बच्चे के दिमाग से गल हैगी कि ना हो कि हूँ जन इनटेक बहुत सारिया फाइल अपलाई की हूँ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपलाई किया हो तो कितने फिर ना कैनेडा जरा जो रिफ्यूज़ल धड़ाधड़ करके रिफ्यूज़ ला दे, तो भी बच्चा डर रहा, तो लगता कि यहोजे हालात भी दोबारा बन सकते हैं? देखो, सब तो पहला तो जिहड़े बच्चे रिफ्यूज़ हुए ने जी, मैं उन्होंने कहना चाहता कि मोटीवेट रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा रिफ्यूज़ होया, दुनिया नहीं खत्म हुई, आप अगे बढ़ा। उस तो बाद जिहड़े स्टूडेंट का रीफाइल करन दा सोच रहे फॉर द जनवरी और रिफ्यूज़ हो गया और रीफाइल करना कुछ नहीं करना, दे कैन डू अ रीफाइलिंग फॉर दैट, और जिहड़े स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं अपना कॉलेज और प्रोग्राम चेंज करना है, उन्होंने मैं जनवरी रिकमेंड नहीं करता, उन्होंने मैं अगले अपकमिंग जिहड़े इनटेक्स आ रहे हैं जनवरी तो बाद वही रिकमेंड करा, रीज़न बिंग
ਅੱਜ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਭਰਾ ਦਈਏ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਆਜੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਮ ਚਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਮ ਚਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਡੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ 1000 ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 60-70 ਨੂੰ ਤਾਂ NG ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 60-70% ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੇਂਜਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਵ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਪਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਚਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ 100% ਆਪਣਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, 100% ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ, 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲਵੇ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਲਈ, 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਹਾਰਡਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜੀ, 3 ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
पहले महीने की फीस 100% है, दूजे महीने की फीस से 50% वेवर हैगी है आईलेट्स के उत्ते, तीसरा महीना फ्री है। मतलब डेढ़ महीने की कॉस्टिंग से असी बच्चे अगे नहीं वधन देना चाहते, होर असी होर पैसा नहीं लेना चाहते, क्योंकि असी चाहते हैं जिहड़ा बच्चा आईलेट्स कर रहा है वो अगे अपने जिहड़े सुपने वो पूरे कर सके बाहर जाके। लेटेस्ट रिजल्ट वेखो साडे फेसबुक पेज के उत्ते, यूट्यूब चैनल के उत्ते रीसेंट रिजल्ट असी तुहाडे नाल शेयर किए हैं आईलेट्स से भी। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, जिवें तुसीं दस्सिया कि आईलेट्स सेंटर भी लैंडमार्क इमीग्रेशन का हैगा, जिथे मोहाली तुसीं आके जिहड़ी अपनी आईलेट्स जिहड़ी है क्लीयर कर सकते हो। सो ते वड्डी गल है कि तुहानूं डेढ़ महीने के विच, जिवें तुसीं दस्सिया कि डेढ़ महीने के विच ही बिल्कुल जिहड़ा जे इहदे नाल होएगा क्या बेसिकली, नहीं कि डेढ़ महीने तुसीं प्रिपेयर, तुहाडा टाइम बचेगा, तुहाडा जिहड़ा गैप जिहड़ा बढ़ रहा सीगा वो गैप जिहड़ा जे वह घट होएगा, तुसीं जल्दी आईलेट्स क्लीयर करोगे, जल्दी अपनी प्रोफाइल जिहड़ी है वो कनेडा वास्ते एलीजिबल हो जाओगे, कनेडा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आईलेट्स की रिक्वायरमेंट जिहड़ी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा गुरप्रीत जी, जिते आप कह रहे हैं कि हूँ कैनेडा की गल कर रहे थे, आप गल करते जे आप सोचिए कि जे यूके वालों बच्चे ने जाए, क्योंकि पिछले पिछले देखा एक यूके यह कंट्री सी जी कोविड के बीच भी ऑपरेशन से बच्चे जा रहे थे फर्दर स्टडी कर रहे थे, हूँ जिमें कहने कि बिल्कुल जे कैनेडा तो ओपन ही हो गया फ्लाइट चल पे ने, तो आज कै जरा रुझान है बच्चे का कितने तो नहीं कि बाईचांस जरा एक आधी बार रिफ्यूज़ होया कैनेडा तो कि सोच रहे हो कि मैं यूके के बीच अप्लाई करा, तो यूके के बीच कर सकता बच्चा अप्लाई? देखो कोई भी कंट्री है, अज मैं तुम्हें साफ मंच से बह के दसदा, जे तुम है न्यूजीलैंड रिफ्यूज़ जी, तुम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया के कई इंस्टीट्यूशन मना करते हैं, जे तुम ऑस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज़ हो ऑस्ट्रेलिया लैंड तो मना करता ना न्यूजीलैंड लैंड तो मना करता, ये दो चीज़ा। हूँ आ जाने इधर नेबर कंट्रीज कैनेडा और यूएस लाना, कैनेडा रिफ्यूज़ कैंडिडेट यूएस अप्लाई कर सकता, क्योंकि दोनों का सिस्टम बिल्कुल वक्रा इंटायरली डिफरेंट है, और वह कहें जो तुम कितों भी रिफ्यूज़ हो तो साढ़े नाल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कैनेडा का वीज़ा जोड़ा है वो पेपर बेस्ड वीज़ा आ, यूएस का वीज़ा जोड़ा इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा आ, और यूके का जोड़ा वीज़ा वा वो पेपर और इंटरव्यू दोनों ही बेस्ड वीज़ा है। सो मतलब यूके भी तुम अपलाई कर सकते हो जो तुम कैनेडा रिफ्यूज़ हो चुके हो, तुम यूएस भी अपलाई कर सकते हो, तुम जर्मनी भी अपलाई कर सकते हो, तुम ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले समय से अपलाई कर सकते हो। सो देखा जाए तो कैनेडा स्टूडेंट रिफ्यूज़ में हर मल्टीपल ऑप्शन हैगा, पर जे तुहाडा सपना कैनेडा जाना वा तो लैंडमार्क इमीग्रेशन उस सपने नू पूरा करन दे विच तुहाडी पूरी मदद करेगा। तुसीं एक बार लैंडमार्क इमीग्रेशन दे किसी भी दफ्तर च मिल लो, पंजाब दे विच श्री अमृतसर साहब तो शुरू होकर जलंधर दे विच, लुधियाना दे विच, मोगा दे विच, बठिंडा दे विच, मोहाली हैड ऑफिस, चंडीगढ़ ब्रांच ऑफिस, हर जगह दफ्तर हैगा। मैनू लगता तुसीं पंजाब जिथे भी रहिंदे होंगे तुहाडे 50 किलोमीटर दे रेडियस तो वध दफ्तर नहीं होना, जे तुसीं किसी भी कोने च हैगे हो 50-60-70 किलोमीटर ते लैंडमार्क इमीग्रेशन दफ्तर तुहानूं मिल जाएगा, जरूर मिलो। क्योंकि मेरे कोल अज गंगानगर तो श्री गंगानगर तो भी बहुत सारे स्टूडेंट आउंदे ने, बैंगलोर तो भी रीसेंट स्टूडेंट आए, कोलकाता तो स्टूडेंट सानूं मिलन आए ने, दिल्ली तो चलो साडे कोल बहुत सारे स्टूडेंट आउंदे ऑलरेडी आउंदे रहिंदे ने, हरियाणा बेल्ट तो बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं। तुसीं विजिट करनी है, तुहानूं चाहीदी है तुहाडा एक मार्गदर्शक चाहीदा है जिहड़ा तुहानूं बैटर गाइड कर पावे। पर इको चीज़ कहूँगा, जदों भी आउणा वा फैमिली दे नाल आउणा वा, अपने घर दे विचों मदर फादर नूं नाल लैके आउणा, जे उह नहीं चल सकदे बजुर्ग ने ट्रैवलिंग च इशू है कोई, तो फिर अपने किसी वड्डे ब्रदर नूं जां किसी इदां दे बंदे नूं नाल लैके आउणा है जिहड़ा तुहाडे भविख लई तुहाडे पेरेंट्स दे बराबर सोचदा होवे और जिहड़ा तुहाडे भविख दे लई फैसला भी लै सके। मैं ये माँ बाप जो प्रोग्राम देख रहे उन्होंने कहना चाहूँगा, अपने बच्चों किसी होर कंसल्टेंट को भी कल्ले ना भेजो, तुसी नाल जाओ, तुसी आप देखो उस कंपनी की की वैल्यू हैगी है, उन्होंने किन्ना काम करने का सिस्टम हैगा, किन्ना उन्होंने को स्टाफ है, किन्ना उन्होंने एक्सपीरियंस है, फिर अपने बच्चे के भविख की डोर उन्होंने हाथ में दो, नहीं तो कल्ले बच्चे जाके अपने असली सर्टिफिकेट जेन्युइन जिहड़े जिहड़े डुप्लीकेट नहीं कहूँगा नाले ओरिजिनल सर्टिफिकेट फड़ा जाते हैं, फिर उन्होंने ठोकरा खाते हैं दर दर दे कि सर दे दो वापस, फिर पैसे मंगे जाते हैं। उन्होंने तो निजात पाने लिए अपने बच्चे ना तो कल्ले कितने भेजना है ना मेरे को भेजना है, आप नाल लेके आना है, फिर सब ठीक होएगा। जी बिल्कुल, ये देखो एड्डी वड्डी गल कोई भी तुहानूं अपने मंच तो नहीं कहेगा, जिहड़ा कंसलटेंट होएगा कंसलटेंट यही चाहता है बेसिकली
कि बच्चा आ जाए डॉक्यूमेंट दे जाए, लेकिन हाँ उस तो बाद प्रोसैस शुरू करांगे। लेकिन लैंडमार्क इमीग्रेशन तुहानू इस शो दे राही यह इनफॉर्मेशन दे रहा है कि जदों भी तुसी आना हुंदा है अपने बच्चे दे नाल आया करो, इस करके नाल आया करो। देखो सब तो वड्डी रीज़न यह है क्योंकि जिहड़े पैसे ने वो बच्चे दे बच्चे की मेहनत की कमाई नहीं है, वो तुहाडी अपनी मेहनत की कमाई है जिहड़ी तुसी अपने बच्चे दे एजुकेशन दे उपर लाउणी है। तो तुहानू भी पता होना चाहिए बेसिकली कि बच्चा किहड़े इंस्टीट्यूट दे विच या किहड़ी कंट्री लई एलीजिबल है, ताकि तुसी किसी भी तरीके नाल मिसगाइड ना हो सको, ना बच्चा मिसगाइड होए, ना तुसी मिसगाइड हो सको। तो नाल नाल मैं इत्थे गुरप्रीत जी एक छोटी जी क्योंकि टाइम जिहड़ा जिहा वो आपां जिहड़े बच्चे दे व्यूज़ होंदे ने जिहड़ी आपां वीज़ा आंदे ने जिहड़े बच्चे एक्सपीरियंस शेयर करदे वो भी विच दिखाने होंदे हैं, क्योंकि ये शो का फॉरमैट हैगा, जान जांदे आपां उन्हां बच्चों नाल भी मिलवाने हैं ताकि तुहानू भी पता लग सके कि वाकई ही जिहड़े वीज़ा असीं कहिंदे हैं स्क्रीन दे उपर वो आंदे भी हैं कि नहीं आंदे हैं, और जिहड़े आंदे हैं वो असीं तुहानू उन्हां बच्चों नाल मिलांदे भी, उन्हां दा एक्सपीरियंस भी शेयर करदे हैं। अच्छा इत्थे मैं जानदे पुछना चाहांगा सर कि जिहड़ी स्कॉलरशिप वाला एक बड़ा लोग कहिंदे कि आंदी नहीं है जी, मिलती है नहीं मिलती है, कंसलटेंट दिलांदा नहीं है, मतलब इदां दा क्या रुझान है कैनेडा दा, स्कॉलरशिप लई किहड़ा बच्चा एलीजिबल हुंदा है? 60% तो उत्ते नंबर हैगे तुहाडे, तुसीं स्कॉलरशिप लई एलीजिबल हो, फिर वो चाहे $500 तो लैके $20,000 तक की अमाउंट की स्कॉलरशिप कैनेडा च मिलती है और साढ़े सारे बच्चों मिलती है। जो तुम भी अपलाई करना चाहते हो लैंडमार्क में संपर्क कर लो, असी स्कॉलरशिप लई तुसीं एलीजिबल होगे तो जरूर अपलाई करांगे जी। बिल्कुल, हुण जिहड़ा शो है ये आपां एंड दे पल जा रहे हैं, तो हुण जांदे जांदे तुहानूं बच्चे नाल भी मिला रहे हैं, तो कोशिश करते हैं असीं कि बच्चे नाल बच्चे का पेरेंट्स भी आवे, क्योंकि वीज़ा जदों आंदा ना बच्चे का, जदों पेरेंट्स जिहड़ी स्माइल हुंदी है उन्हां दे फेस दी कि साडा बच्चे का कैनेडा का वीज़ा आया या किसी भी कंट्री का आया, तो वो कितने ना कितने तुहानूं असीं दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी इस तरह की जिहड़ी इहदे प्रोफाइल जिहड़े हुंदे ने वो भी लैंडमार्क दे वीज़ा कढ के दिंदा है। लैंडमार्क की जिहड़ी टीम एक्सपर्ट टीम वो इस तरह की फाइल के उपर भी काम करती है, वो आप नज़र मारते हैं, तो जो उन्हां बच्चों नाल गलबात लैंडमार्क इमीग्रेशन च। मेरे नाल ने अज नवे स्टूडेंट बलजिंदर सिंह धालीवाल जो मुक्तसर साहिब तो साढ़े ऑफिस पहुँच चुके ने वीज़ा लैन लई। सब तो पहला इन्हां नूं वीज़ा हैंडओवर करदे हां, कॉन्ग्रेचुलेशन बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह किवें लग रहा, थोड़ा वीज़ा आ गया, थोड़ा लैंडमार्क दी सर्विसिज किवें दी लगी, एक्सपीरियंस किदां दा रहा थोड़ा लैंडमार्क नाल? मैम बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा, तो मेरे काउंसलर सी सनी सर, उन्होंने मैंने बहुत वधिया गाइड किया। मेरा प्रोसैस थोड़ा लंबा जरूर हो गया सी, ओके, पर एंड ते मैंने वीजा रिसीव हो गई। ओके, तुसी सब तो पहला मतलब कि सनी सर नूं मिले जलंधर ब्रांच विजिट किया सी? मैं मोगा ब्रांच विजिट, मोगा ब्रांच विजिट किया, ते तुसी दस्से कि लंबा हो गया सी प्रोसैस, मतलब कि प्रॉब्लम्स आ गई सी कि किवें? मैम सब तो पहला मेरे मेडिकल च प्रॉब्लम आ गई सी, एडिशनल टेस्ट वास्ते मैंने मेल आ गई सी, उहदे विच 3-4 महीने तकरीबन लग गए सी, ते उस तो बाद 19 मार्च 2020 मेरी फाइल लॉन्च कीती गई। अच्छा जी, ते उहदा च कोविड करके थोड़ा डिले हो गया, ते उस तो बाद 3 टाइम मैनू एम्बेसी वालों मेल्स आईयां फीस रसीद वास्ते एंड मेडिकल वास्ते ते एक ऑफर लेटर वास्ते। ओके, मतलब कि दैन थोड़ा सारा प्रोसैस होया, तो अज थोड़ा वीज़ा थोड़े हाथ च आया, अज खुशी है थानू कि वीज़ा आ गया। ओके, थोड़ी इंडिया की स्टडी की सी कि और आयल्स बैंड स्कोर की सी थोड़े? मैं इत्थे 2014 दे विच बैचलर डिग्री कीती सी, ते उस तो बाद मेरा एक साल दा आईटीआई च कोर्स गया वेल्डर दा, ते 2019 दे विच मैं आईलैट्स दा एग्जाम दित्ता सी, ते मेरे 6 फीट स्कोर सी। बलजिंदर सिंह जिवें तुहाडा बहुत ज़्यादा गैप सीगा 2014 च तुसीं, एंड मैम 2016 दे विच मैं लास्ट पास आउट सीगा आईटीआई वेल्डर दे। ओके, उस तो बाद भी तुहाडा गैप सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੈਂਡਮਾਰਕ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗੇ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਿਆ, ਓਕੇ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
फाइल का प्रोसैस स्टार्ट करवाओ तो अपने बाहर जाने के सुपने पूरा करो। थैंक यू सो मच।